मूवी की शुरुआत में हमें ट्रेजर हंटर ब्रॉक लॉयड और उनकी टीम दिखती है जो डूबे हुए टाइटैनिक में डायमंड ढूंढ रहे थे। वो मशीन की मदद से अंदर देख रहे थे जहां उन्हें टूटी फूटी टाइटैनिक और लाशें दिखाई देती हैं। वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हें एक लड़की की तस्वीर मिलती है जिसने वही डायमंड पहना था जो ब्रॉक ढूंढ रहे थे। फिर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो टीवी पर वो तस्वीर देख उन्हें फ़ोन कर बताती है वो औरत मैं ही हूँ। और फिर वो ब्रॉक की टीम से मिलती है और उन्हें अपने पास की स्टोरी बताती है। वो अपने मंगेतर केल्डोन के साथ टाइटैनिक जहाज पर सफर करने जा रही थी। वो बहुत ही बड़ा आलिशान जहाज था। फिर हम जैक को देखते हैं जो जुए में पैसे जीतकर टाइटैनिक पर सफर करता है। टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल जाता है और नए दिन के साथ समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर रोज दिखती है जो अपने रूम में पेंटिंग लगा रही थी। फिर जहाज का कैप्टन स्पीड बढ़ाने को कहता है। जैक और उसका दोस्त टाइटैनिक के सबसे अगले वाले हिस्से पर सफर का मजा ले रहे थे। रोज सुबह का नाश्ता कर रही थी। उसका मंगेतर बहुत ही खड़ूस था। वो उसे छोटी छोटी चीजों के लिए टोक रहा था। रोज वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर जैक की नजर रोज से पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। फिर रात में सब डिनर कर रहे थे तो रोज बहुत परेशान थी। वो अपनी इस अमीर जिंदगी से ऊब चुकी थी। वो भागती हुई जहाज के एंड तक जाती है और कूदने की कोशिश करती है, मगर जैक वहां आ जाता है और उसे रोकता है ये कहकर कि अगर तुम कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना होगा। रोज स्लिप हो जाती है मगर जैक उसे बचा लेता है। तभी ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और जैक को गलत समझते हैं। फिर रोज उन्हें बताती है कि जैक ने उसकी जान बचाई है और केल्डोन जैक को डिनर पर इनवाइट करता है। आगे केल्डोन रोज को एक नेकलेस पहनाता जो कि बेहद कीमती था। अगली सुबह रोज और जैक बात कर रहे थे। रोज उसे थैंक यू कहने आई थी। फिर वो उसकी पेंटिंग देखती है जो कि बहुत ही मीनिंगफुल। जैक रोज को उन पेंटिंग्स की कहानी बताता है। रोज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि वो भी उसकी तरह आम जिंदगी जीना चाहती थी। उन्हें शाम हो जाती है। जैक रोज को थूकना सिखाता है। अभी रोज की मॉम वहां आ जाती है। वो बहुत ही घमंडी औरत थी। वो रोज को अपने साथ ले जाती है। फिर मिस मैगरेट जैक को तैयार करती हैं। जैक अमीरों के एरिया में जाता है और अमीरों की तरफ बिहेव करता है। फिर रोज आती है और जैक उसका हाथ चूमता है। रोज उसे बाकी लोगों के बारे में बताती है। फिर डिनर पे रोज की मॉम जैक को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैक उन्हें बहुत ही अच्छा जवाब देता है। वो कहता है मैं अपनी जिंदगी का हर पल जीता हूँ। कल मैं कहीं बैठ के जुआ खेल रहा था और आज आप लोगों के बीच में बैठ के शैंपेन पी रहा हूँ। डिनर खत्म हो जाता है और सब चले जाते हैं, लेकिन जैक रोज को निचले हिस्से में ले जाता है जहां वो बहुत इंजॉय करते हैं। रोज ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती थी। अगली सुबह केल्डोन रोज को धमकाता है कि तुम मेरी मंगेतर हो और उन लोगों के बीच में मत जाना। फिर जैक रोज से मिलने जाता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। वो कुछ कपड़े चुराता है अमीर दिखने के लिए। रोज अपनी फैमिली के साथ ऊपरी हिस्से में टहल रही थी, तभी जैक आके उसे अपने साथ ले जाता है। वो रोज को बताता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है और अपने दिल की बात बोल देता है, लेकिन रोज मजबूर होने की वजह से वहां से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। जैक टाइटैनिक के सबसे अगले हिस्से पे था। रोज वहां आती है और बोलती है मैंने अपना इरादा बदल दिया है। जैक उसकी आंखें बंद कराता है और उसे रेलिंग पे खड़ा कराता है और उसके हाथ खोलता है। रोज को लगता है वो उड़ रही है और ये टाइटैनिक मूवी का सबसे आइकॉनिक और रोमांटिक सीन होता है। दोनों किस करते हैं। रोज जैक को अपने रूम में ले जाती है जहां उसे वो डायमंड दिखाती है और जैक से बस उस डायमंड को पहन के एक तस्वीर बनाने को कहती है। जैक सेटअप करता है और रोज वहां आती है और अपने कपड़े उतारती है। जैक नर्वस हो जाता है। जैक तस्वीर बनाना शुरू करता है। रोज बीच बीच में उसे छेड़ रही है, मगर वो बहुत ही सीरियस था और अपनी पेंटिंग कंप्लीट करता है। फिर हम टाइटैनिक को देखते हैं जहां कैप्टन का जूनियर उससे कहता है हमें हवा में बर्फ की चट्टानें नहीं दिखाई देंगी, हमें स्पीड कम करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन अपनी अनुभव की वजह से स्पीड कम करने को मना कर देता है। फिर केल्डोन का नौकर रोज के रूम में आता है और ये दोनों भागने लगते हैं। वो इनका पीछा करता है मगर ये दोनों भागकर सामान वाले हिस्से में चले जाते हैं। वहाँ ये कार में बैठते हैं और रोज जैक को पीछे खींचती है और कहती है मुझे प्यार करो और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर केल्डोन रोज की वो तस्वीर देखता है और जैक को फंसाने का प्लान बनाता है। रोज और जैक जहाज के ऊपरी हिस्से में आते हैं जहाँ रोज जैक से कहती है जहाज के रुकते ही मैं तुम्हारे साथ उधर जाऊंगी। फिर दोनों किस करने लगते हैं। वहीं ऊपर बैठे दो ऑफिसर्स को सामने बर्फ की चट्टान नहीं दिखाई देती और यही मोमेंट था जो इतना बड़ा इतिहास बना। ऑफिसर्स अलार्म बजाते हैं और वर्कर्स टाइटैनिक को मोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जहाज इतना बड़ा था कि वो घूमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी तरह इंजन को रिवर्स करने पर जहाज थोड़ा सा घूमता है, मगर टाइटैनिक का साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है और उसके निचले हिस्से में छेद हो जाता है जिससे उसके अंदर पानी भरने लगता है। जैक और रोज ने आइसबर्ग को बहुत ही करीब से देखा था। जहाज का लीडर इमरजेंसी गेट को बंद कर देता है और सैकड़ों मजदूर नीचे फंस जाते हैं। जैक और रोज उसके रूम की तरफ जाते हैं जहाँ केल्डोन का नौकर है। जैक के जेब में वो डायमंड डाल देता है और उसे चोरी के इल्जाम में फंसा देते हैं। रोज को यकीन नहीं होता।
इस जहाज के कैप्टन और लीडर मिलके मीटिंग करते हैं, जहाँ टाइटैनिक का डिजाइनर कहता है जहाज लोहे का बना है और जरूर डूबेगा। वो कहते हैं कितना वक्त है, तो वो बताता है मात्र 2 घंटे। फिर यहाँ केल्डोन रोज को मारता है और एक वर्कर आकर कहता है लाइफ जैकेट पहन लीजिए, कैप्टन का ऑर्डर है। और धीरे धीरे ये खबर पूरे जहाज पर फैलने लगती है और सबको लाइफ जैकेट पहनने को कहा जाता है। दूसरी तरफ लाइफ बोट को नीचे उतारा जा रहा था, मिस्टर एंड्रयूज डरे हुए जा रहे थे, तो रोज उनसे पूछती है, तो वो उन्हें बताते हैं कि जहाज डूबने वाला है। इमरजेंसी बोट में औरतों और बच्चों को पहले भेजा जा रहा था, तो रोज की मॉम प्राइवेट बोट मांगती है, तो रोज उन पे चिल्लाती है। केल्डोन कहता है अगर तुम्हारी तस्वीर को रख लेता तो उसके अच्छे पैसे मिलते। रोज उसे बाय बोलकर चली जाती है। जहाज डूब रहा था और जैक नीचे कमरे में पोल से बंधा हुआ था, वो जोर जोर से मदद मांग रहा था। रोज उसे ढूंढने लगती है, वो चिल्लाती है और जैक उसे मिल जाता है। वो उसे चाबी ढूंढने को कहता है। टाइटैनिक का अगला हिस्सा डूब रहा था। रोज मायूस हो जाती है, वो एक आदमी से मदद मांगती है मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो एक कुल्हाड़ी लेके जैक के पास जाती है और किसी तरह उसकी हथकड़ी तोड़ देती है और वो वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जहाज का अगला हिस्सा पूरा डूबने वाला था और लोगों को लाइफ बोट में भर भर के भेजा जा रहा था। रोज और जैक ऊपर जाने की कोशिश करते हैं मगर गार्ड ने गेट बंद कर रखा था। वो दूसरी तरफ से जाते हैं मगर वहां भी गेट बंद था। तो जैक एक लकड़ी की मदद से गेट को तोड़ देता है और ये सब आगे जाते हैं। यहाँ अफरा तफरी मची हुई थी, ये लोग बोट ढूंढते हैं मगर वो इन्हें नहीं मिलती। अब जैक रोज से एक बोट में बैठने को कहता है मगर रोज अकेले जाने को मना करती है। वहाँ केल्डोन आता है और कहता है मैंने अपने और जैक के लिए एक बोट बुक की है। रोज मान जाती है और बोट में बैठ जाती है मगर वो आधे पे बोट से कूद जाती है। जैक भागते हुए उसके पास जाता है और रोते हुए उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रोज कहती है याद है तुम कूदोगे तो मैं कूदूंगी। केल्डोन गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है मगर दोनों वहां से भाग जाते हैं। आगे पानी का बहाव बहुत तेज था, ये दोनों ऊपर जाते हैं मगर गेट बंद था। वो एक आदमी से मदद मांगते हैं मगर चाबी पानी में गिर जाती है। वो किसी तरह वहां से निकलते हैं, इन्हें मिस्टर एंड्रयूज दिखाई देते हैं। रोज उन्हें साथ चलने को कहती है मगर वो मना कर देते हैं। जैक रोज को अपने साथ ले जाता है। ऊपर लोग डूब रहे थे, पानी इतना ठंडा था कि आम आदमी उसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। टाइटैनिक पीछे से खड़ा हो रहा था। रोज देखती है लोग मर रहे हैं। रोज जैक से कहती है जैक याद है हम पहली बार यहीं मिले थे। लोग इमरजेंसी बोट से ये भयानक नजारा देख रहे थे। देखते देखते टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है और लोग नीचे दब के मर जाते हैं। एक हिस्सा पूरी तरह डूब जाता है और दूसरा सीधा खड़ा हो जाता है। जैक रोज को रेलिंग की दूसरी तरफ ले जाता है और टाइटैनिक सीधा खड़ा हो जाता है। लोग गिर कर मर रहे थे, टाइटैनिक तेजी से नीचे जाने लगता है। ये मूवी का सबसे भयानक सीन था। जैक रोज से कहता है जहाज नीचे जाने पर हमें नीचे की तरफ खींचेगा, तुम हाथ पैर मारते रहना ऊपर आने के लिए। और टाइटैनिक पूरा डूब जाता है। जैक नीचे चला जाता है, रोज ऊपर आ जाती है। फिर जैक भी किसी तरह ऊपर आ जाता है। जैक रोज को एक लकड़ी पे चढ़ा देता है मगर वो खुद नहीं चढ़ पाता और वो कहता है हम जरूर बचेंगे। कुछ बोट खाली करके वापस आ रही थी। रोज जैक से कहती है आई लव यू, तो जैक कहता है तुम जरूर जियोगी और चाहे जो कुछ भी हो हार नहीं मानोगी और एक अच्छी जिंदगी जियोगी। नेवी वहां आती है लेकिन तब तक कई लोग मर चुके थे। रोज नेवी को देखती है और जैक को उठाने की कोशिश करती है मगर अब जैक मर चुका था। वो उसे जोर से बुलाती है मगर वो नहीं उठता। वो उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है और उसके साथ बिताए पल याद करती है। वो नेवी को बुलाती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। फिर वो जैक से कहती है मैं जीऊँगी जैक और तुम्हें हमेशा याद करूँगी। वो रोते हुए उसका हाथ छोड़ देती है और जैक धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता है और रोज उसे जाते देख रही थी। वो लकड़ी से उतर कर एक आदमी के मुंह से विसल लेके बजाती है और नेवी उसे देख लेती है और वो बच जाती है। बाद में केल्डोन उसके पास आता है अपना हीरा लेने के लिए मगर रोज छिप जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं वो डायमंड रोज के पास ही होता है और वो उसे उसी अटलांटिक ओशियन में फेंक देती है। ये लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।